नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्रवाह वर्ल्ड के गिटार लेसन्स में। तो गिटार, जैसे आपको पता है कि बहुत एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आजकल की जनरेशन में बहुत फेमस है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे सीखा जा सकता है, कैसे आप इसको गाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप एक सोलो गिटारिस्ट बन सकते हैं, तो यही सारे हम लेसन्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का जो लेसन है वो हमारा बेसिक गिटार के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दो तरह के जो गिटार्स बजाए जाते हैं, कि आप एक सिंगिंग के साथ बजाएंगे, उसके अलावा एक सोलो गिटार जो आप प्ले करते हैं, तो इन दोनों के अलग अलग आपको लेसन्स मिलेंगे। तो जो जैसे जिसकी मर्ज़ी वो वैसे सीख सकता है। बस आपका ये जो गिटार का इंट्रोडक्शन है, ये सबका सिमिलर रहेगा, ये सबका एक ही रहेगा, क्योंकि गिटार सबको एक ही बजाना है। और अलग अलग गिटार्स का मैं आपको जितने भी लेसन्स होंगे जो हम प्रोवाइड करा सकें आपको, जैसे इलेक्ट्रिक गिटार का हुआ, यूकेले का हुआ, तो ये लेसन्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए अच्छे से। जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया इश्क में। तो अब हम गिटार के मेन जो कुछ पार्ट्स हैं, जो बेसिक मेन पार्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको गिटार के पार्ट्स के नॉलेज नहीं है, तो अगर गिटार कुछ ख़राब हो गया आपका आगे जाके, या फिर आपको क्या कहाँ कैसे बजाना है, ये आपको गिटार के पार्ट्स से ही पता पड़ेगा। अगर आपको अलग अलग गिटार्स के पार्ट पता हैं कि वो गिटार के पार्ट फंक्शन क्या करते हैं, उनका मतलब क्या है, वो क्यों वहाँ दिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी सीखने में भी और बजाने में भी। तो हम पहले इस पर ही बात करेंगे कि गिटार के पार्ट्स कितने हैं, कौन से हैं, कौन से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और मैं ये भी बताऊंगा, अगर कोई गिटार ऑलरेडी प्ले करता है तो अपने गिटार का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि ये पार्ट्स काफ़ी नाजुक होते हैं, तो इसके बारे में भी एक आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए, एक सबसे पहले हम चालू करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट से। ठीक है, ये पार्ट आपके गिटार का, आप मान लीजिए, बैकबोन है। ये नहीं होगा तो गिटार नहीं है। तो ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स, है ना। यहीं से आपका गिटार बजाया जाता है और इसी से आवाज़ आती है। तो स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर स्ट्रिंग्स ना हो तो गिटार नहीं बज सकता। ठीक है, और गिटार में होती है 6 स्ट्रिंग्स। अब इन स्ट्रिंग्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, उन नाम के बारे में हम थोड़ी देर से बात करते हैं। तो इन स्ट्रिंग्स का मेन रोल क्या है कि गिटार को प्ले करना, है ना। ये स्ट्रिंग्स भी ऐसी होती हैं जो काफ़ी नाजुक होती हैं, इनको बजाने का तरीका भी अलग होता है और इनका सेफ तरीका भी होता है, तो उस पर भी आपको बताया जाएगा। तो स्ट्रिंग्स हो गई अपना एक पार्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं मेरा, हालांकि ब्लैक है, कई लोगों के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं गिटार के, है ना। तो ये जो पूरे गिटार को कवर करता है, ये चीज, इसको हम बोलते हैं साउंड बॉडी या साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉडी हम जनरल भाषा में साउंड बॉडी ही बोलते हैं। बॉक्स हम कई लोग जो थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो म्यूजिकल टर्म्स का यूज़ करते हैं, वो साउंड बॉक्स बोलते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। तो साउंड बॉक्स या साउंड बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों है गिटार में। आप जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी हॉल में जा रहे हैं और वो हॉल खाली है, आप वहाँ पर जाके कुछ बोलेंगे तो आवाज़ गूंजती है ना। वहाँ पर आवाज़ आप भले धीरे बोलेंगे तो तेज़ आएगी। तो ये साउंड बॉक्स भी वही काम करता है। जब आप स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं तो ये जो आवाज़ स्ट्रिंग्स की होती है, ये अंदर जाती है और ये गूंजती है। तो ये एक वॉल्यूम बूस्ट का काम करता है गिटार के लिए। अगर साउंड बॉक्स छोटा हो तो गिटार में इतनी आवाज़ नहीं आएगी। गिटार में भी अलग अलग साइजेस होती हैं, तो वो साइज़ इसी पर निर्भर करती है कि ये साउंड बॉक्स कितना बड़ा है। तो ये जब आप स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं तो इसका साउंड अंदर जाता है और ये पूरा साउंड बॉक्स गूंजता है, जिससे आपको गूंज और वॉल्यूम प्रोवाइड होती है। अब ये आवाज़ अंदर जाती कहाँ से है, तो आपको ये एक होल दिख रहा होगा, है ना। ये सर्कल वाला होल सब गिटार्स में होता है, और मेनली हम अकूस्टिक गिटार की यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो ये जो गिटार का होल है इसके अंदर से साउंड जाता है। एक ये एंट्रेंस मान लीजिए, इस हॉल का गेट मान लीजिए जहां से आवाज गूंजेगी। तो आप जब ये प्ले करते हैं तो ये आवाज इस साउंड होल के अंदर से जाती है और साउंड बॉक्स में जाके मिलती है, और आवाज बाहर भी यहीं से आती है। मतलब ये एंट्रेंस और एग्जिट है साउंड की। तो इसका जो मेन रोल यही है कि आप जब स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे तो साउंड अंदर जाएगी और साउंड बाहर आएगी, ठीक है। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं, बाकी कुछ सब पार्ट्स हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी उसके बारे में बात करेंगे। एक तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं ब्रिज। ये इतना सा पार्ट है। अब ब्रिज का क्या काम क्या होता है कि आप बहुत लिटरल चले जाइए, बहुत शाब्दिक अर्थ पे चले जाएंगे, तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाना। तो ये भी वही काम करता है हमारे यहाँ पे। ये जो ब्रिज, इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स जा रही हैं, ये स्ट्रिंग्स को इस किनारे से ऊपर का जो किनारा है वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये ब्रिज का वही काम है जो आप लोगों को, जैसे जो एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचाने का काम होता है, आप लोग उसके पैसेंजर्स हैं। तो ये स्ट्रिंग्स इसकी ब्रिज की पैसेंजर हैं, ये यहाँ से वहाँ तक जाती हैं। तो ब्रिज का मेन काम यही है कि ये स्ट्रिंग्स को यहाँ पे टक रखता है। आप ये देखेंगे, ये गोल गोल ये स्ट्रिंग्स का बिल्कुल पकड़ के रखते हैं और ये वहाँ से वहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये गिटार की पूरी बॉडी हो गई, हमने बॉडी की पूरी बात कर ली। अब गिटार के पार्ट्स अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ज़्यादा नहीं अपनी बॉडी को ही देख सकते हैं। लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो ये ह्यूमन बॉडी हमारी क्या हो गई, ये हमारी बॉडी हो गई। अब इसके जस्ट ऊपर क्या होगी, नेक, ठीक है। तो ये गिटार की नेक है, ये गिटार की बॉडी हो गई, गिटार की बॉडी के ऊपर ये नेक, ठीक है। ये इतनी बड़ी सी लंबी सी, इसको हम बोलते हैं नेक। अब जैसे साउंड बॉडी, ये जो गिटार की बॉडी है इस पर कई सारे पार्ट्स हैं, तो गिटार की जो नेक है उस पर भी कई सारे पार्ट्स हैं। आप जैसे इन लाइंस को देख रहे होंगे, है ना, ये एक वाइट लाइन है, ये एक वाइट लाइन है, ये वाइट लाइन है, ये वाइट लाइन है, काफ़ी सारी ऐसी वाइट लाइंस हैं। तो उनके बीच में जो गैप्स हैं, ये छोटे छोटे गैप्स, यहाँ से उनकी साइज भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी थोड़ी छोटी होती जा रही है। तो ये जो गैप्स हैं बीच में, ये 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम बोलते हैं फ्रेट्स, FRETS, फ्रेट्स। तो फ्रेट्स का क्या काम होता है, फ्रेट्स आप जैसे कोई भी फ्रेट को प्रेस करेंगे, कोई स्ट्रिंग बजाएंगे, तो ये नोट्स का प्रोवाइड करता है। मतलब आपके सुर यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। आप किसी भी फ्रेट को प्रेस करके कोई भी स्ट्रिंग बजाएंगे तो वहाँ पे आपके सुर चेंज हो जाएंगे। बाकी अगर आप ऐसे ही स्ट्रिंग्स को प्ले करेंगे तो जो सेम साउंड आपको सुनने को मिल रही है वही मिलेगी। तो आप जब फ्रेट्स को छेड़ते हैं, जब फ्रेट्स पे आप प्ले करते हैं, तो आपको, आप वहाँ पे कॉर्ड्स बजाते हैं, आप वहाँ पे लीड्स बजा सकते हैं। तो फ्रेट्स का मेन काम यही होता है। अब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आप जिनको बोर्ड्स बोलते हैं, है ना। बोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घरों में होगा स्विच बोर्ड होगा और कंप्यूटर्स में आपके कीबोर्ड होगा, तो उनको बोर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो उस पर कई सारी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे अगर स्विच बोर्ड कहा गया है तो उसमें कई सारे स्विचेस होंगे, कीबोर्ड कहा गया है तो उसमें कई सारे कीज़ होंगे। तो अगर यहाँ पे कई सारे फ्रेट्स हैं, है ना, ये इतनी सारी फ्रेट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेट बोर्ड, ठीक है। इतनी सारी आप देख पाएंगे कि अगर गिटार पूरा विजिबल है ऊपर से नीचे तक, ये नेक है, तो इस नेक में कई सारी फ्रेट्स लगी हुई हैं, और इन फ्रेट्स को हम बोलते हैं पूरे को, इस नेक के जो फर्स्ट हाफ को यानी आगे के हिस्से को हम बोलते हैं फ्रेट बोर्ड, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला कि हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह ही आप गिटार को ले लीजिए। तो अब जैसे मैंने बॉडी बोली, ये नेक हो गया, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी क्या है, ये बॉडी हो गई, ये नेक हो गया, तो ये क्या हो गया, हेड। तो ये जो गिटार का पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेड, ये गिटार का हेड हो गया। इस हेड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये आपको अगर स्टील के ये दो दिख रहे हैं, ये छह, इनको हम बोलते हैं ट्यूनिंग पेग्स। ट्यूनिंग पेग्स आप जैसे नाम से ही इसको थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे कि ट्यून करने के काम आते हैं ये। एक जो हमारी जो छह स्ट्रिंग्स हैं, तो ये छह ट्यूनिंग पेग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो
आप इनको लूज करेंगे, आप इनको टाइट करेंगे तो इससे गिटार ट्यून होता है। एक एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग पैग है, तो आप एक एक स्ट्रिंग को इन ट्यूनिंग पैग से ट्यून करते हैं। बस यही एक फंक्शन है यहाँ पे। बाकी और भी गिटार के पार्ट्स होते हैं तो हम उन पर अभी फ़िलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो बेसिक पार्ट्स है ये मैंने आपको बता दिए हैं। इन बेसिक पार्ट्स के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं है गिटार में, ठीक है। और अगर कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं वो जब आपको सीखने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा आगे जो जितने लेसन आएंगे।